भारत के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद सूर्य कुमार यादव के उस अद्भुत कैच पर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी, यहां तक कि साउथ अफ्रीकी दिग्गजों ने भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का जो कैच पकड़ा था वो कैच नहीं बल्कि सिक्स था। डेल स्टेन से लेकर एडन मार्करम और न जाने कितने लोगों ने इसे अनफेयर कैच बताया है। दरअसल लगातार सूर्य कुमार यादव के उस कैच पर सवाल उठ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव का पैर बाउंड्री रोप से टच हो गया था। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिसके चलते काफी विवाद भी देखने को मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के हेटर्स लगातार टीम इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं कि भारत ने बेईमानी से वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन दोस्तों, अब इस पर गौतम गंभीर ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या वाकई में यह अनफेयर कैच था भी या नहीं, पहले आप ये पूरा मामला समझिए। दोस्तों, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, भारत चैंपियन भी बन गई है, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव के कैच को लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तान के फैंस, अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी और तमाम फैंस जो भारत के खिलाफ बोलने वाले हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं कि सूर्या का पैर बाउंड्री रोप से टच हो गया था। बाउंड्री रोप को उसके वास्तविक जगह से पीछे हटाया गया था। अफ्रीका के साथ भारत ने बेईमानी की है, अंपायर ने इसे सभी एंगल से चेक नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। आईसीसी के बाउंड्री नियमों के अनुसार उसे सिक्स होना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने जल्दबाजी में यह गलत फैसला दे दिया। ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब इस पर गौतम गंभीर ने भी बड़ी बात कही है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने कहा, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी फाइनल हारकर बड़बोलापन दिखा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने मेहनत से मैच जीता है और वह कैच इस सदी का सबसे बेहतरीन कैच है, इस बात पर कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ उस फैसले को रिव्यू किया गया और फिर भारत के पक्ष में फैसला दिया गया, यह बेबुनियादी इल्जाम है। हालांकि इस पूरे मसले पर अफ्रीका के कमेंटेटर शॉन पोलॉक ने भी सच्चाई बताई है और इन तमाम आलोचकों को करारा जवाब दिया है। शॉन पोलॉक ने कहा है, सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का जो कैच पकड़ा था वो पूरी तरह से ठीक था, उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री रोप को पीछे नहीं हटाया था, मैं बाउंड्री के काफी करीब था, इसलिए ये झूठा आरोप लगाना गलत है। वहीं बाउंड्री रोप खिसकाने की जो बात की जा रही है उस पर एबी डिविलियर्स ने सबूत भी दिए हैं। दरअसल एबी डिविलियर्स ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि जब टीम इंडिया की पारी शुरू हुई थी तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज एनरिक नोकिया ने पहले ओवर में चौका रोकने के प्रयास में बाउंड्री रोप को हिला दिया था। इसके बाद उन्होंने खुद उसे सही किया था, यानी कि बाउंड्री रोप साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने ही हिलाया था और फिर उन्होंने उसे ठीक से नहीं लगाया। एबी डिविलियर्स का इस तस्वीर को शेयर करने का मतलब साफ है कि सूर्या का वो कैच बिल्कुल सही था, डेविड मिलर क्लियर आउट थे। भारत पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन आप उन आलोचकों को क्या कहना चाहोगे? क्या सूर्या के कैच पर ऐसा आरोप लगना सही है या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट में लिखें और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।